आज ठीक एक साल के बाद फंडर वैली में दोबारा आया हूँ और उसी मकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पर गुज़श्ता साल था। ये यहाँ का हेलीपैड है, ये आपको नज़र आ रहा होगा हेलीपैड। और उसके बाद ये वो वैली है, बहुत तसल्ली से देखिएगा इस वैली को और आपको वहाँ से वो मेरे पीछे बिल्कुल वहाँ से वो झील जिसे हम फंडर झील बोलते हैं वो नज़र आ रही है। 10,000 फीट की बुलंदी के ऊपर ये इस वक्त हम मौजूद हैं और ये झील जो है ये इसका ये रूट है झील का, वो देखिए अब ग्रीन फील्ड्स हैं। बहुत मुश्किल से प्लेन इलाकों के अंदर ये फील्ड्स मिलती हैं, ये ग्रीन फील्ड्स हैं सारे के सारे। और ये ग्रीन फील्ड्स मीन के यहाँ के लोग ज़िम्मेदारा करते हैं। यहाँ पे जो फसल इस वक्त मौजूद है वो गंदम की फसल मौजूद है और ये सब तमाम के तमाम जो प्लॉट्स हैं प्लेन्स हैं ये गंदम की फसल से माशाल्लाह भरे हुए हैं। और ये सफ़ेदे के पॉपुलर के दरख्त लगे हुए हैं जो कि इस लेक के साथ साथ वो जो लेक आ रही है लेक के साथ साथ जो है ना वो चलते हुए आ रहे हैं। आबादी भी है यहाँ पे और ये देखिए दरख्त और वो ऊपर ग्लेशियर होगा, अगर नज़र आ रहा होगा आपको तो वो ऊपर ग्लेशियर वहाँ पे ये ग्लेशियर है ऊपर। इस ग्लेशियर के साथ ही वो साथ साथ ग्लेशियर्स हैं जो छोटे छोटे उसके साथ साथ चल रहे हैं, ये ग्लेशियर्स हैं सारे। और इस वक्त हवा बहुत अच्छी और ठंडी चल रही है यहाँ पे। ये एक रेस्ट हाउस है गवर्नमेंट का और वो ऊपर आपको एक और ग्लेशियर नज़र आ रहा होगा, वो ग्लेशियर्स है और वो भी ग्लेशियर्स है। और दिसंबर के अंदर ये वादी जो है पूरी की पूरी मुकम्मल वादी ये बर्फ़ से ढक जाती है। PTDC का मोटल है वहाँ पे, वो आपको नज़र आ रहा होगा PTDC का मोटल है। और ये फंडर झील है, इस झील के अंदर आपको दरख्त नज़र आ रहे होंगे और पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे। अंदर छोटे छोटे दरख्त और पहाड़ हैं, नहीं दरख्त छोटे नहीं हैं, दरख्त बहुत लंबे लंबे हैं जो इस झील के अंदर डूब चुके हैं। यहाँ पे पहले कोई आबादी थी या आबादी थी, उसके बाद ये वो उसका स्टॉप है और ये रास्ता निकलता हुआ ये दरिया गज़र में शामिल हो जाता है। यही दरिया गज़र है जो कि यहाँ पर मौजूद है। पहाड़ी सिलसिले आपने देख लिए, मुझे सुन लिया। 2 साल के बाद अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।